नमो नमः। नागार्जुन संस्कृत महाविद्यालय तरौनी दरभंगा सहाचार्य अहम वीर सनातन पुण्यन्दुराय विषय साहित्य कक्षा शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड थर्ड पार्ट पाठ्य शीर्षक आज जो है सामान्य अध्ययन अनिवार्य पत्र के अंतर्गत समसामयिकी 2021 जीएस जो अनिवार्य पत्र है शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड में उसको मैं पढ़ा रहा हूँ और दिनांक 14/6/2021 दिन रविवार। आज का पहला क्वेश्चन है 29-30 जनवरी 2021 को किस देश के निशानेबाजी महासंघ ने पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया था, तो वो देश है कुवैत, जिसका विश्लेषण है कुल 22 देशों ने भाग लिया जिसमें 274 निशानेबाजों ने हिस्सा लिया। भारत इस प्रतियोगिता में जो है 11 मेडल हासिल किया और भारत इसमें 4 गोल्ड मेडल भी हासिल किया। किस शहर के मेट्रो में देश की पहली अल्ट्रा वायलेट किरणों से सैनिटाइजेशन सुविधा की शुरुआत हुई, वो लखनऊ शहर है जो उत्तर प्रदेश का है। और भारत की पहली अल्ट्रा वायलेट परावैगनी किरणें से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने का काम उत्तर प्रदेश ने शुरू किया और उत्तर प्रदेश का मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। बड़ा ही सुखद अनुभूति है भारत के लिए कि न्यूयॉर्क मेट्रो द्वारा इस प्रणाली के सफल परीक्षण के बाद उत्तर प्रदेश मेट्रो ने इस तकनीक को अपने यहाँ लागू किया। छात्रों इसे जरूर याद रखेंगे क्योंकि अभी सैनिटाइजेशन ही प्रमुख रहा है, ये शब्द बड़ा प्रचलित हुआ कोरोना काल में। किस मोबाइल नेटवर्क प्रदाता द्वारा देश का पहला 5G रेडी नेटवर्क प्रदर्शित किया गया, तो वो कंपनी एयरटेल है, इसको भी याद रखेंगे। भारत सरकार ने किस देश की साझेदारी के साथ पर्यावरण वर्ष लॉन्च किया, तो फ्रांस के साथ लॉन्च किया। ऐसा करने का इसका का 5 कारण है, 5 उद्देश्य है, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, सतत शहरी विकास और नवीनीकरण कार्य और ऊर्जा दक्षता का विकास हेतु ये कार्य किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, देश का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में विकसित किया गया, तो केरल राज्य में विकसित किया गया। इसका कारण लैंगिक समानता की दिशा में राज्य का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पार्क का नाम थांटे डोम रखा गया जिसका अर्थ साहस होता है। संयुक्त राष्ट्र के किस निकाय ने वर्ष 2020 को सबसे खराब वर्ष घोषित किया, तो वो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। कोविड संक्रमण काल में जो है पर्यटन को सबसे ज्यादा घाटा हुआ क्योंकि आयातक की संख्या बहुत कम रही जिससे जो है पर्यटन उद्योग घाटा में रहा। वर्ष बजट 2021-22 में किस संघ शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की है, तो अभी नया बना है संघ शासित प्रदेश लद्दाख, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय वहां बनने जा रहा है। उत्तराखंड का कौन सा जिला राज्य का पहला 100% साक्षरता वाला जिला बना है, वो जिला देहरादून है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस संघ शासित प्रदेश को कोरोना मुक्त घोषित किया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कोरोना मुक्त घोषित किया है। हाल ही में जो है पथारू घाट किसान विद्रोह के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, यह घटना किस राज्य की जालियांवाला बाग घटना कहलाती है, यह असम राज्य में जैसे जालियांवाला बाग में हुआ था, एक पार्क में जो है लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, उसी तरह है असम के गाँव में इस तरह की घटना हुई थी, बहुत से आदिवासियों को मार दिया गया था। केंद्र सरकार ने आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदल कर किस महान संगीतकार के नाम पर कर दिया है, तो पंडित भीमसेन जोशी के नाम पे अब यह आकाशवाणी संगीत सम्मेलन होगा। विशेष तथ्य यह है कि वर्ष 2009 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ था भीमसेन जोशी जी को, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराना से ये संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड 590 अरब डॉलर को पार कर गया है, इसके साथ ही भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में किस स्थान पे आ गया है, तो ये चौथे स्थान पे आ गया है। छात्रों याद रखेंगे चौथे स्थान पे यह स्थान पहले रूस का था, इस सूची में चीन पहले स्थान पर है। किस देश के विदेशी मुद्रा भंडार से आसे किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार से आसे उस देश की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों स्वर्ण भंडार विशेष आहरण अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिजर्व ट्रेंच आदि से होता है।
कौन सा खिलाड़ी 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले जो विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया, जो रूट, ये नाम है जो रूट, इंग्लैंड के कप्तान का, जिसने भारत के चेन्नई के चेपक स्टेडियम में टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट की पहली पारी में दोहरा 218 रन बनाया। नंदा देवी ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है, जो हाल ही में चर्चा में रहा, यह उत्तराखंड में स्थित है एक ग्लेशियर। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस भारतीय को, सस्मिता लेंका को इसको जो है सम्मानित किया गया, उड़ीसा के वन अधिकारी है ये लेंका। यह पहली बार है कि देश की किसी महिला को या अधिकारी महिला अधिकारी को यह सम्मान मिला है। यह जो है पेंगोलिन की तस्करी पर इसने रोक लगाई थी। हाल ही में जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 आयोजित किया गया, यह सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, ये ऊर्जा संसाधन संस्थान TERI दिल्ली के द्वारा किया जाता है। कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2021 के लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में सिलेक्ट हुई, तो फिल्म का नाम है बिट्टू, जिसमें दो लड़की दो सहेली एक दूसरे पर जान छिड़कती है, लेकिन किसी कारणवश एक घटना घटती है और स्कूल में उसे जहर देके दोनों को मार दिया जाता है। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पुनः शामिल होने की घोषणा की, तो वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, जो मानवाधिकार परिषद में पूरा आने की बात बाइडेन ने किया है, राष्ट्रपति बाइडेन जी ने। 7 फरवरी 2021 को किस राज्य की विधानसभा ने 100 साल पूरे किए, तो उस बिहार ने पूरा किया। मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता, तो मनसा वाराणसी। भारत के किस शहर में पेड़ों के लिए अस्पताल और एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई, तो अमृतसर में। ये जो है ट्री एम्बुलेंस का नाम पुष्पा ट्री एंड प्लांट हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी रखा है, बड़ा ही अनोखा है, इसे याद रखिएगा कि आदमी का एम्बुलेंस तो होता है, अब जो है ट्री एम्बुलेंस भी है। किस राज्य सरकार संघ शासित प्रदेश ने वित्त वर्ष 2022-23 से अलग से कृषि बजट पेश करने की घोषणा की है, तो वह है राजस्थान। हाल ही में जो माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो इटली में स्थित है। किस स्टेडियम को पीछे छोड़कर अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है, तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया नरेंद्र मोदी। ये जो स्टेडियम है इसका 33 एकड़ में फैला है, 1.10 लाख लोगों को बैठने की व्यवस्था है। हाल ही में गिद्ध पक्षी को बचाने के लिए किस देश ने जो है कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगा दिया, तो वह देश है बांग्लादेश। 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, तो वासुदेव माही लघु कथा चेक बुक के लिए दिया गया। यह कहानी समाज के वंचित वर्गों के कष्टों को अभिव्यक्त करती है। इसके बाद कौन सा देश, क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा देश फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा, उत्तर है इसका कतर। 55वें क्वेश्चन नंबर 29, 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी, मलयालम के कवि हैं, अभी तक इन्होंने 45 बुक लिखा है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, रणजीत सिंह डिसाले को जो है यह पुरस्कार दिया गया। 92वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया, तो जोकिम फिनिक्स को जो है फिल्म जोकर के लिए दिया गया। वहीं जो है फिल्म पैरासाइट के निर्देशक दक्षिण कोरियाई बोंग जोंग हो को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। 33 क्वेश्चन नंबर 33, भारत ने 20 जनवरी 2021 को अनुदान सहायता के तहत किन 6 देशों को COVID-19 टीकों की आपूर्ति शुरू की, तो 20 जनवरी 2021 को यह आपूर्ति शुरू किया। इसमें पहला भूटान, दूसरा मालदीव, तीसरा बांग्लादेश, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार और छठा सेशेल्स था। विशेष तथ्य ये है कि ऑक्सफर्ड एक्स्ट्राजेनिका कोविशील्ड टीके का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट उत्पादन कर रहा है और दूसरा कोवैक्सीन का उत्पादन भारत बायोटेक कर रहा है। छात्रों इसको विशेष रूप से याद रखेंगे, बड़ा ही हलचल मचाया है इस वैक्सीन ने हमारे देश में। ODOP का अर्थ क्या है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है।
बाइचुंग भूटिया के नाम पर फुटबॉल का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये सिक्किम में बनाया जा रहा है। विशेष तौर से ये समान अध्ययन का जो है करीब 35 क्वेश्चन का हमने संग्रह प्रस्तुत किया है। आप लोग विशेष तौर से इसको एक दो बार देखेंगे, याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो इसमें अच्छे नंबर आने की संभावना रहती है। आप लोग जो है तृतीय खंड के छात्र हैं प्रतिष्ठा के, आप लोग विशेष तौर से इसे पढ़ेंगे। नमो नमः पुनर्मिलामः। कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा।